सनी देओल की गदर 2 ने इस मामले में सलमान खान की फिल्म को पछाड़ा। तारा सिंह और सकीना ने मारी बाजी। अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी फिल्म गदर जब 15 जून 2001 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी तो हर तरफ इसी की चर्चा थी। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भूचाल ला दिया था। इस फिल्म ने सनी देओल को मशहूर कर दिया था तो एक्ट्रेस अमीषा पटेल को रातों रात स्टार बना दिया। इनके किरदार तारा सिंह और सकीना प्रशंसकों के दिल में बस गए। अमीषा की पहली फिल्म कहो ना प्यार है तो गदर उनकी दूसरी फिल्म उनका करियर चमक गया और फिल्म की सीक्वल गदर 2 की अनाउंसमेंट कर दी गई है। तारा सिंह और सकीना की जोड़ी एक बार फिर से बड़े पर्दे पर नजर आने वाली है। फिल्म इसी साल 11 अगस्त के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देगी। इसके सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और तस्वीरों को देखकर साफ है कि इस फिल्म को लेकर भी फैंस के बीच काफी क्रेज है। बुक माई शो के लाइक्स के मामले में सनी देओल की गदर 2 ने सलमान खान और शाहरुख खान को पीछे कर दिया है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान 21 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है। सलमान के लुक ने फैंस का ध्यान खींचा है। वहीं इसमें साउथ स्टार रामचरण नजर आएंगे। वहीं शहनाज गिल और पलक तिवारी इस फिल्म से डेब्यू कर रही हैं। बुक माई शो में लाइक्स के मामले में न्यूज 18 की रिपोर्ट के अनुसार सलमान खान की किसी का भाई किसी की जान को 16,000 लाइक्स मिले हैं। वहीं गदर 2 को 34,000 लाइक्स मिले हैं। शाहरुख खान की फिल्म जवान को 41,000 लाइक्स मिले हैं। वैसे तो फिल्म अलग अलग महीने में रिलीज हो रही है लेकिन बॉक्स ऑफिस के आंकड़े यह तय करेंगे कि कौन सी फिल्म किसे पटकने देगी। वैसे सोशल मीडिया पर गदर 2 को लेकर खासा क्रेज है। दोस्तों ऐसे ही बॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।